व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनबॉक्सिंग। बहुत दिन के बाद मैं एक अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ जो कि है साइकिल स्पीडोमीटर। तो चलिए लेट्स अनबॉक्स। ये रहा, ये है साइकिल का वो है। तो चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं पहले। गाइस ये है हम लोग स्पीडोमीटर, ये देखिए बाइसिकल कंप्यूटर। तो चलिए इसको जल्दी से सेटअप कर लेते हैं। चलिए इसको साइकिल में सेटअप करते हैं, पहले खोल के देख लेते हैं। गाइस ये वीडियो मैं 17 डे के बाद बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि आपको एक कुछ रिव्यू व्यू दे दूँ, सब कुछ बता दूँ, इसलिए इतना दिन लगा। तो चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। गाइस ये रहा मेरा वो मीटर जो सेट किया था। देखिए गाइस ऐसे टाइप का यहाँ पे बहुत सारे फीचर है, मैं थोड़ी देर बाद बोलता हूँ। मैं ये सेटअप कैसे किया, मैंने पहले ये यहाँ पे ये स्टिक दिया था, यहाँ पे स्टिक से लगा दिया, फिर थोड़ा नीचे यहाँ से तार वायर ले आया, वायर से एकदम घुमा घुमा के इधर लाया, इधर से नीचे जाके गाइस यहाँ पे कुछ है सेंसर, यहाँ पे एक सेंसर यहाँ पे ऐसे करके सेट कर दिया। सेट करने के बाद और एक जो सेंसर है वो है नीचे, ये सेट करने के मुझे मतलब गाइस 1 घंटा लग गया सेट करने करने करते हुए। तो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे देखने गाइस आप कैसे समझोगे कि ये ठीक है कि नहीं। रुकिए ये देखो गाइस जगह घूम रहे हैं, ये देखो गाइस मीटर में देखिए दिखा रहा है कि साइकिल का पहिया घूम रहा है। तो मतलब हो गया, आप जब भी चलाएंगे यहाँ पे ये बाइक के स्पीडोमीटर की तरह ही है। देखो ब्रेक मारेंगे यहाँ पे, ये थोड़ा इशू है कि लेट से रिस्पॉन्स करते हैं थोड़ा, यही थोड़ा इशू मुझे मिला, वरना एकदम ठीक ठाक ही है, वैसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, एकदम ठीक ठाक ही है वैसे चलने के लिए। लेकिन मुझे मुझे मैंने सोचा कि पीछे का चक्का में लगाऊंगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन पीछे का चक्का में लगा नहीं पाया क्योंकि ये सब उतना बड़ा ये लोग वेयर ही नहीं रहता गाइस। तो इसके लिए मैं थोड़ा इशू हुआ, तो मैं कंपनी को ये बताना चाहूँगा कि थोड़ा बड़ा वायर दे दीजिए गाइस, मतलब कंपनी का लोग इधर में हम लोग को लगाना है गाइस, यहाँ पे एकदम अच्छा लगता है। तो स्पीड भी सब एक्यूरेट दिखाता था, यहाँ पे सामने चक्का है। तो ऐसा यहाँ पे देखिए फीचर सब, यहाँ पे एक बटन है। ओ गाइस पहले ये जब सेटअप किए थे आपको रीसेट के रीसेट करने के बाद यहाँ पे ना एक ऑप्शन मिलेगा कि साइकिल का चक्का का आपको सरकमफेरेंस निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे बोलिए, चक्का में लिखा होगा मेरा यहाँ पे जैसा लिखा था, रुकिए यहाँ पे लिखा था, ये देखिए गाइस 26x1.95, तो ऐसा लिखा था इसलिए हम वैसे ही यहाँ पे सेट करके लगा दिया। फिर बाद में देखिए गाइस यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, अभी 12:15 हुआ है टाइम। ये है गाइस ओडोमीटर, इसका मतलब मुझे उतना अच्छे से नहीं पता, रुकिए गाइस। ये गाइस ओडोमीटर, ये है गाइस डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस मैं चलाऊँ 21 डिस्टेंस मतलब उतना किलोमीटर। ये है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मैं 17 ही उठा पाऊँगा क्योंकि 17 में बहुत स्पीड हो जाता है। और ये जो है और गाइस उसके बाद है ये AVS, इसका मतलब नहीं पता मुझे। और ये तो है बहुत अलग ही लेवल का है, ये TM है, इसका मतलब क्या हावर वावर क्या क्या है। और ये गाइस ये स्कैनिंग है और ये टाइम है, तो ख़त्म। और हाँ गाइस मैं इसका रिव्यू कैसा बताऊँ, मतलब एकदम एवरेज है, एकदम बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत मतलब कम भी, मतलब ठीक ठाक ही है। मैं तो आपको प्रेफर करूँगा मत लीजिए गाइस ये सब फालतू चीज़ है। स्पीडोमीटर देखिए अगर आप रेसिंग वेसिंग करते हो तो ये सब ठीक है, स्पोर्ट्स साइकिल के लिए ठीक है, लेकिन ऐसे ये सब ठीक नहीं है। तो गाइस मैं प्रेफर करूँगा आप ले लीजिए, बेकार पैसा सिर्फ वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा गाइस, बेकार हुआ पैसा अगर सेव करेंगे तो बहुत कुछ होगा। तो सेव कीजिए, सेव मनी सेव लाइफ। सो गाइस सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, बहुत दिन से मतलब वीडियो नहीं आ रहा, तो इतना दिन के बाद ये वीडियो आया, तो सब्सक्राइब माई चैनल 5 बाय गाइस।